मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हैवानियत की हद पार करने वाले रतलाम के एक रेलवे कर्मचारी ने अपने ही दो बच्चों और पत्नी को ऐसी मौत दी है कि जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। इस शख्स ने अपने दो मासूम बच्चों और पत्नी को कुल्हाड़ी से काट कर अपने ही घर में इन्हें दफन कर दिया और बड़े आराम से उसी घर में ये शख्स रहता भी था। मध्य प्रदेश के रतलाम में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला विंध्यवासिनी कॉलोनी से सामने आया है। यहां एक घर के बरामदे के फर्श के नीचे एक महिला और उसके दो बच्चों के कंकाल पुलिस ने बाहर निकाला है। दो बच्चों और उसकी मां का किसी और ने नहीं बल्कि महिला का पति सोनू तलवाड़ी ने कुल्हाड़ी मारकर उन्हें मार डाला और फिर घर के आंगन में ही दफन कर दिया। इस मामले का खुलासा 2 महीने बाद हुआ है। जो व्यक्ति है, जो पति है उस महिला का, उसको पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और उसमें पूछताछ में जो हम लोगों ने सारी चीज़ें वेरीफाई की, उससे स्वयं ही उसके द्वारा फिर घटना करना स्वीकार किया गया। इनके द्वारा करीब करीब 2 माह पहले अपनी पत्नी एवं अपने 2 बच्चों की हत्या की गई है एवं उसके द्वारा जो बताया गया कि उसने शव अपने ही घर के जो फ्रंट यार्ड है उसमें गड्ढा करके उसमें दफनाया है। क्योंकि इस तत्काल इस चीज़ को हम लोगों को वेरीफाई करना था, तो साथ में फॉरेंसिक अधिकारी जो हैं उनके साथ में FSL अधिकारी हैं और इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को साथ में लेके इस सूचना पे उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंध्यवासिनी कॉलोनी में रहने वाले सोनू तलवाड़ी ने अपनी पहली शादी अल्पसंख्यक वर्ग की नगमा नाम की महिला के साथ की थी। सोनू ने पुलिस को बताया कि नगमा के साथ उसका किसी वजह से विवाद होने लगा और इसी के चलते उसने पत्नी को छोड़ दिया। वहीं नगमा ने साल 2014 में न्यायालय में भरण पोषण का दावा लगा रखा था और इसके बाद सोनू ने निशा नाम की एक दूसरी महिला के साथ रहने लगा और उस महिला से उसे 2 बच्चे भी हुए। दूसरी पत्नी महिला और उसके 2 बच्चे अमन और खुशी के सरकारी दस्तावेज बनाने को लेकर अक्सर इनके बीच विवाद होता रहता था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाएगा किसी को एहसास नहीं था। 2 महीने पहले विवाद के चलते सोनू ने अपनी पत्नी निशा और 2 बच्चे अमन और खुशी को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और घर के आंगन में ही इन्हें दफन कर दिया। मगर जब कॉलोनी में सोनू की बीवी और बच्चे को काफी दिनों से लोगों ने नहीं देखा और न ही सोनू ने अपने परिवार के बारे में किसी को कुछ बताया, ऐसे में पुलिस को जब इसकी जानकारी लगी तो फिर पुलिस ने महिला के पति सोनू को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि उसका जिस स्थान पर उसने चिन्हित किया उस स्थान को खुदवाया गया और वहाँ से 3 हमें शव बरामद हुए हैं। अभी इसके आगे की फॉरेंसिक जांच बाकी है, PM होगा, उसमें DNA एनालिसिस भी होगा, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो दिख रहा है कि ये उसकी पत्नी तथा 2 बच्चों के शव हैं। अभी तक जो प्रारंभिक जाँच इसमें हुई है, इसमें मारने का कारण पारिवारिक कलह और जो आपसी पति पत्नी के बीच का वाद विवाद रहता है वही बताया जा रहा है इसके द्वारा। अभी तक जो प्रारंभिक चीज़ें जो आरोपी ने बताई हैं वो इसको लव मैरिज बता रहे हैं कि पिछले 2014 से जो ये लोग साथ में साथ रहे हैं। अब घर के आंगन में दफन पत्नी और बच्चों के शव पुलिस बाहर निकाल ली है और शव कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। अब इसकी जाँच होगी कि शव आरोपी की पत्नी व बच्चों के हैं।